एवरीवन, आज की हमारी जो कविता है वो अक्का महादेवी जी के द्वारा लिखी हुई है और ये बहुत ही महान कवि जी हैं जिन्होंने इस कविता को बहुत ही सुंदर तरीके से किया है वर्णित। आज हम इसी की व्याख्या और वर्णन कर रहे हैं, इसकी आज हम सप्रसंग व्याख्या इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो कविता शुरू इस प्रकार से होती है, हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। सबसे पहले मचल का अर्थ समझ लेते हैं। मचल का अर्थ होता है किसी बात की जिद पकड़ के उसके लिए मचलना। पाश यानी बंधन, ढील यानी ढीला कर, मद यानी नशा, मदहोश यानी नशे में पागल। यह वचन जो है कर्नाटक की प्रसिद्ध कवियत्री हैं अक्का महादेवी, उनके द्वारा रचित हैं और वो शिव जी की परम भक्त थी, इसी तात्पर्य से उन्होंने इस कविता की रचना करी है। और वो अपनी भूख को संबोधित करके कहती हैं कि हे भूख मुझे मत लग ताकि मैं अपने ईश्वर को याद कर सकूं, मुझे सांसारिक वस्तुओं की कोई चाह नहीं है, वो यह भी कहती है। फिर अपनी प्यास को कहती है कि हे प्यास मुझे मत लग, हे नींद मुझे भी मत सता, कि हे नींद मेरे को आएगी तो मैं अपने भगवान को याद नहीं कर पाऊँगी। और क्रोध को भी आने से मना कर देती है, गुस्से को भी आने से मना कर देती है, मोह से भी दूर रखने के लिए प्रेयर करती है कि ईश्वर उसे मोह से दूर रखें, लोभ से दूर रखें, लोभ उसे किसी प्रकार से लालच में ना बांधे जिसके कारण वह अपने ईश्वर से ना मिल सके। ईर्ष्या की जो जलन होती है उससे भी वह दूर रहना चाहती है। चराचर जो है यहाँ पर जड़ और चेतन संसार को बताया है, कहती है कि ओ चराचर मत चूक अवसर, यानी हे मनुष्य तुझे अवसर मिला है, मैं आपको चन्न मल्लिकार्जुन का यानी शिव जी का संदेश आपके लिए लेकर के आई हूँ और आप उस संदेश को सुनो और इन सब का त्याग कर दो, यानी कि सिर्फ जीने के लिए खाना खाओ, भूख मत मचल, प्यास सिर्फ जीने के लिए होनी चाहिए, नींद भी, क्रोध मोह लोभ जितनी भी चीज़ें हैं जो सांसारिक बातों में हमें फंसाती है उनसे दूर रहने के लिए संसार का पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए, ये कवियत्री के विचार हैं। छह प्रकार के शत्रु जो हैं यहाँ उन्होंने बताए हैं, जिसमें भूख प्यास नींद क्रोध मोह लोभ मद और ईर्ष्या, ये सभी जो हैं इनका मानवीयकरण इस कविता में किया गया है। और मानवीयकरण अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है। संबोधन शैली है, यानी कि जिन वस्तुओं का मानवीयकरण किया गया है, जिन भावों का मानवीयकरण यहाँ किया गया है, उनको संबोधित कवयित्री करते हुए कविता की रचना करती हैं। और यही कारण है कि संबोधन शैली के कारण कविता अत्यंत रोचक बन पड़ी है। बात करते हैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तरी की। तो यहाँ पर कवयित्री भूख प्यास को प्रार्थना करती है कि वो उसे सांसारिक कष्ट ना करें, सांसारिक कष्ट प्रदान ना करें, जिससे वो अपने ईश्वर की आराधना कर सके और प्रभु की भक्ति में लीन हो सके। यहाँ पर कवयित्री अपने आराध्य के चरणों में लीन होना चाहती है और मनुष्य को भी ऐसी शिक्षा देती है। इसका सेकंड जो पद है वह है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊँ अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊँ और ना मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह नीचे गिर जाए, और यदि मैं झुकूँ उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। बिल्कुल सरल शब्दों में वह बात कहती हैं कि हे ईश्वर मुझसे भूख मंगवा लो आप, हे मेरे ईश्वर कुछ ऐसा कर दो कि मैं अपने घर को पूरी तरह से भूल जाऊँ, वो
कोई मुझे भीख भी दे तो वह नीचे गिर जाए, मैं उठाऊं अगर उसे उठाने की भी कोशिश करूं तो कोई कुत्ता आकर के उसे ले जाए, मुझे इतने कष्ट दो कि मैं तुम्हें याद करती रहूं और कुत्ता मेरा सब सामान ले जाए। यानी कि जो भौतिक वस्तुएं हैं उनसे अलग रह करके वह ईश्वर को याद करना चाहती है। और कवियत्री यहाँ ये मानती है कि सांसारिक वस्तु में ईश्वर की आराधना में उसे रोड़ा अटकाएंगी, तो वह इन सब चीज़ों से अलग होकर के भीख ना मिले, झोली फैलाना यानी भीख नीचे गिरना, ये सब बिंब जो हैं, कविता में बिंब का प्रयोग किया है, यानी कि आपके सामने एक चित्र प्रकट हो जाएगा जो कवित्री कहना चाहती है। तो यहाँ पर अपना घर, यहाँ अहम का और मैं भाव का प्रतीक है जिसे कवित्री छोड़ना चाहती हैं और तरह तरह के कष्ट उठाना चाहती हैं। क्यों उठाना चाहती हैं वो अपने कष्ट? क्योंकि वो चन्नमल्लिकार्जुन की आराधना में अपने आप को लीन करना चाहती हैं और उन्हें पता है कि इंद्रियां जो हैं उनके रास्ते में बाधक हैं, क्योंकि इंद्रियों का काम होता है अपने आप को तृप्त करना और वो मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर जाने से रोक देती हैं। जब मनुष्य अपने लक्ष्य पर कदम बढ़ाता है तो ये चीज़ें उसे उस रास्ते पर जाने से बिल्कुल रोक देती हैं, और यही कवियत्री नहीं चाहती है कि कोई उसके रास्ते में बाधा बने। यहाँ पर ईश्वर के लिए जूही के फूल का दृष्टांत दिया गया है। ईश्वर में और जूही के फूल में दोनों में समानताएं हैं, और जूही का फूल भी कोमल होता है और ईश्वर को भी यहाँ दयालु और पवित्र बताया है, ईश्वर यहाँ आनंदमय भी बताया है। अगर बात करें अपना घर यहाँ शब्द जो आया है, तो अपना निजी जीवन जो है वो त्याग करके वह ईश्वर में लीन होना चाहती है, तो वह कहती है कि मेरा अपना घर ना हो, मुझे अपना घर मत दो। दूसरे वचन में वह कामना करती है कि उसके सारे जितने भी सांसारिक सुख हैं वो नष्ट हो जाएं, भीख भी वह मांगे तो ना मिले, अगर मिल भी जाए तो उसकी झोली से नीचे गिर जाए, तो और अगर गिर भी जाए उठाए तो कुत्ता कोई उसे ले जाए, तो जिससे क्या होगा कि वो अल्टीमेटली जा कर के प्रभु के चरणों में समर्पित अपने आप को कर देगी। यहाँ पर समर्पण की जो भावना है वो अहम अगर ख़त्म होगा तो ही संभव है, और यही कवियत्री चाहती है कि उसका अहम समाप्त हो जाए और वह अपने प्रभु से मिल जाए। अगर बात करें यहाँ मीराबाई की, तो दोनों में एक समानता आपको इस कविता में नज़र आएगी, क्योंकि मीराबाई भी संसार को त्याग करके प्रभु में लीन होना चाहती हैं, और अक्का महादेवी के भी इसी प्रकार के कुछ विचार हैं। जो वो कहती हैं कि संसार के जो विकार हैं वो हमें ईश्वर मिलन से रोकते हैं, तो यहाँ पर कवियत्री स्वयं को अपने आप को निरीह और बेचारा बनाना चाहती है। सुख में मनुष्य संसार में खो जाता है, अगर आप ये बात खुद भी समझ सकते हो, और इसलिए कवित्री जो है अपने आप को अभाव में दुख में रखना चाहती है, और ताकि उसे हर पल ईश्वर की याद बनी रहे। इस प्रकार से यह कविता जो है, इसके मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको बता देती हूँ कि अपना घर से यहाँ तात्पर्य क्या है, या फिर दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है, कवियत्री हर तरह के कष्ट क्यों उठाना चाहती है, और अगर अर्थ ग्रहण के प्रश्न आते हैं जिसमें भाव और सौंदर्य के प्रश्न आ जाते हैं, भाव में कविता में किस भावना से कविता लिखी गई है यह बताना होता है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें अलंकार है, संबोधन शैली है, ये जो है सौंदर्य संबंधी प्रश्न होते हैं जिसे हम विशेष भी कहते हैं। प्रसंग में आपको कवित्री का नाम लिखना होता है और किस बारे में कविता लिखी गई है वह बताना होता है। व्याख्या में आपको कविता के बारे में उसके जो शब्द कहे हैं उन्हें व्याख्यायित करके बताना होता है। उसके बाद विशेष में अलंकार और भाषा का कैसा प्रयोग किया गया है ये सब लिखना होता है। आशा करती हूँ आपको कविता समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कोई भी आपका जो प्रश्न है तो मुझे बता सकते हैं, और कई चैप्टर आपको अगर पढ़ना है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में नाम बता दीजिए, तो मैं कोशिश करती हूँ
नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।